तीन चार बंदे जो है वो कस्टमर बन करके अपराधी के रूप में आकर के गोली तड़ाते हुए मारते हुए भागा है। मामला का छानबीन मैं कर रहा हूँ और जल्दी इसका उद्भेदन भी मैं कर लूंगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी पटना से सटे मनेर से हम आपको बता रहे हैं, बेखौफ अपराधियों ने पटना पुलिस को एक बड़ी और खुली चुनौती दे दी है। पटना पुलिस के नाक में दम करने वाले अपराधियों ने एक बार फिर से एक मेडिकल व्यवसायी के दुकान में घुसकर उनको निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई है, मौके पर उनकी मौत हो गई है। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पटना पुलिस वहां पर पहुंची है, तहकीकात कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि गोरख नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो मेडिकल व्यवसायी का काम भी करते थे, मेडिकल दुकानदार थे और साथ ही साथ जमीन के कारोबारी भी थे। देखिए उनकी मौत हो चुकी है, आनंद फानंद में उनको हालांकि एक अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। मौके पर पटना पुलिस पहुंची है, मनेर थाने की पुलिस पहुंची है। मनेर थाना अध्यक्ष इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं और खुलासा कर रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। मनेर थाना अंतर्गत सराय पंचमुहानी एक जगह है जहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है और वो बंदा पहचान किया गया जिसको गोली लगी है, तो वो मेडिकल चलाता है और तीन चार बंदे जो है वो कस्टमर बन करके अपराधी के रूप में आकर के गोली तड़तड़ाते हुए मारते हुए भागा है। तो उसकी पहचान तो किए हैं, मृतक का गोरख नाम है, उसका घर जमनीपुर है, नेवरा थाना पड़ता है और अभी फिलहाल वो पारस में है, डेथ मृत घोषित हो गया है और हम लोग मामला का छानबीन मैं कर रहा हूँ और जल्दी इसका उद्भेदन भी मैं कर लूँगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? इसका लग रहा है कि उसका कुछ मामला, कुछ अंदर का जमीनी भी मामला है, लेकिन अभी क्लियर कट नहीं हुआ, जांच कर रहे हैं, जांच में अभी मामला है। सीसीटीवी भी देखा जा रहा है और सीसीटीवी कैमरा का भी हम लोग अगल बगल अवलोकन में कर रहा हूँ। हम लोग सब मिल करके पुलिस अगल बगल के थाना भी पहुँच गई है और हम लोग का उम्मीद है कि जल्द ही इसका उद्भेदन मैं कर लूँगा। अपना परिचय दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर मुमताज, मनेर थाना। तो आपने सुना किस तरीके से चार पांच अपराधी उनके दुकान में घुसते हैं और घुसते ही गोलियां बरसाने लगते हैं। कस्टमर बनकर ये अपराधी उस दुकान में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद दुकानदार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती है। देखिए पटना में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो चुका है। पटना में नीलेश मुखिया कांड के अभी आरोपियों की गिरफ्तारी अच्छे से भी नहीं हुई थी कि फिर से एक और बड़े व्यवसायी की हत्या दिन दहाड़े हो चुकी है। जी हां, दिन दहाड़े इस तरीके से मेडिकल व्यवसायी की हत्या, पटना के लॉ एंड ऑर्डर पर पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े करता है। पटना पुलिस सब सवालों के घेरे में कि आखिर पटना पुलिस जिस तरीके से गश्ती बढ़ाने की बात करती है, गश्ती पर लगातार निगाहें होने की बात करती है, तो आखिर किस तरीके से अपराधी बेखौफ है। पटना में एक फिर से बड़ी वारदात हो चुकी है। पटना में जिस तरीके से ये मेडिकल व्यवसायी गोरख कुमार की हत्या हुई है, तो क्यों ये हत्या कर दी गई? क्या जमीन कारोबार है इसलिए उनकी हत्या हुई, जमीन से जुड़ा हुआ मामला है या फिर मेडिकल व्यवसाय से, ये खुलासा के बाद ही पता लग पाएगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।